मुजफ्फरपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। मामला जिले के फकुली ओपी क्षेत्र का है, जहां हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के डेड बॉडी को उठाकर कुछ पुलिसकर्मियों ने नहर में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना फकुली ओपी क्षेत्र के NH 22 पर ठोडी नहर पुल के निकट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से 3 पुलिसकर्मियों के द्वारा अमानवीय कृत्य करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जगह नहर में फेंक दिया। वीडियो वायरल होने की पर फकुली ओपी प्रभारी ने डेड बॉडी को नहर से निकलवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इसमें एक चालक को निलंबित किया गया है, वहीं 2 होमगार्ड के जवान ड्यूटी से क्लोज किए गए हैं। पूरे मामले पर पूर्वी DSP सहरियार अख्तर ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। 8/10/2023 को फकुली ओपी अंतर्गत NH 22 के पास ढोही पुल है, उस पर ट्रक के द्वारा एक दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के क्रम में जो है उस व्यक्ति की लाश काफ़ी क्षत विक्षत अवस्था में थी और कुछ उसका हिस्सा ट्रक के भीतर भी फंसा हुआ था। उस लाश का जो मुख्य भाग था उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया SKMCH, और जो उसका कपड़ा वगैरह उसमें हल्का फुल्का फंसा हुआ था और भी थोड़ा बहुत जो पार्ट था, वहीं पुल के नीचे नहर है उसमें थाने के कर्मियों के द्वारा जो है उसमें गिरा दिया गया है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जांच की गई है। जांच में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है।